मन जी, अगर बात की जाए तो आपके राजनीति सफर की, तो कहाँ से शुरुआत, आपने राजनीति सफर किया था, किस तरीके से आपने राजनीति में कदम रखे थे? उस समय मेरा भी जुड़ाव कांग्रेस पार्टी से हो गया था, बट लिटरली एक सत्य ये भी है कि उस समय जुड़ाव जरूर हुआ था, बट उस समय इतना आइडिया नहीं था। अगर बात की जाए या फिर नेता की बात की जाए, तो गुरु सबके होते हैं, तो आप अपना गुरु किसे मानते हैं, कौन आपका गुरु है? प्रश्न बहुत बढ़िया है आपका, बट इसका जवाब सही तरीके से मेरे पास भी नहीं है। जहाँ तक गुरु की बात है, देखा क्या किस तरीके से आप, क्योंकि आप लंबे समय से आप जो पार्टी के कई कार्यक्रमों में से नदारद दिखते हैं, तो क्या कारण है, कहाँ चले गए? मैं बोल सकता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ हमारी कमी रही है, या पार्टी उस चीज़ को पुरजोर तरीके से उठा नहीं पाई। अमन जी, अगर बात किया है तो कांग्रेस में युवाओं की कमी बड़ी देखी जाती है, कारण क्या है? यूँ कहा जाता है कांग्रेस में दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता नहीं बचा, सब नेता है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे आदमी सीधे नेता बनता है। आज मैं खुद को भी अपने आप को महसूस करता हूँ, तो मैं अपने आप को एक नेता की तरह ही देखता हूँ, क्योंकि पार्टी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी का खास कार्यक्रम फेस टू फेस। फेस टू फेस में लगातार हम युवाओं से संवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं, और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उन्होंने राजनीति सफर कहां से शुरू किया। ऐसे में बात किया है तो आज हमारे साथ कांग्रेस के युवा नेता अमन विनायक हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे राजनीति सफर को लेकर, किस तरह की शुरुआत की थी और कहाँ तक अभी तक जो है आगे भी, किस तरह की उनकी विचारधारा के से अब जो है राजनीति में आगे अपनी क्या रूपरेखा बनाते हैं, किस तरह की रणनीति बनाते हैं। अमन जी, आपका स्वागत है वॉइस ऑफ एमपी। जी नवीन जी, धन्यवाद। सबसे पहले आपने जो स्थान का चयन किया है, लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के इधर हम खड़े हैं, सबसे पहले मेरा उनको नमन, और सभी नीमच जिले के क्षेत्रवासियों को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले नवीन जी, आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई कि हर बार की तरह फिर वॉइस ऑफ एक नई चीज़ लेकर आई और हम युवाओं के लिए एक नया। मन जी, अगर बात की जाए तो आपके राजनीति सफ़र की, तो कहाँ से शुरुआत, आपने राजनीति सफ़र किया था, किस तरीके से आपने राजनीति में कदम रखे थे? नवीन जी, जैसा कि मुझे याद आ रहा है, मैं उस समय 12th क्लास में था, तब मेरी मदर आभा विनायका को महिला ब्लॉक कांग्रेस में ब्लॉक अध्यक्ष का पद मिला था। उस समय नंद किशोर जी पटेल विधायक थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तब एक तरीके से कह सकते हैं कि उस समय मेरा भी जुड़ाव कांग्रेस पार्टी से हो गया था, बट लिटरली एक सत्य ये भी है कि उस समय जुड़ाव जरूर हुआ था, बट उस समय इतना आइडिया नहीं था कि कांग्रेस की क्या विचारधारा है, सामने वाली पार्टी की क्या विचारधारा। तो ठीक है, उस समय जुड़ गए, पटेल साहब के चुनाव में काम भी करा, फिर 2007 के महाविद्यालय के चुनाव में पीजी कॉलेज में, तब अपने ही मित्रगणों के पार्टी द्वारा खड़े किए गए, तब पता लगा कि NSUI और दूसरे संगठन होते हैं और NSUI कांग्रेस का संगठन है, तब पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी से जुड़ाव हुआ, उसकी विचारधाराओं को समझने का मौका मिला, उसकी आइडियोलॉजी को जानने का मौका मिला। तब से मैं कह सकता हूँ कि 2007 से मैं कांग्रेस पार्टी से पूर्ण रूप से विचार से जुड़ चुका था। अमन जी, अगर बात की जाए तो किन किन पदों पर आप ले चुके हैं कांग्रेस में? जी नवीन जी, यूँ तो पद की कभी चाह रही नहीं, तो बस एक ही था कि कांग्रेस अपने आप में एक पद था, उस पार्टी के कार्यकर्ता थे तो अपने आप में एक गर्व महसूस होता है। पर जब यूथ कांग्रेस के फर्स्ट बार इलेक्टेड इलेक्शन हुए, तब उसमें मेरी भी सहभागिता रही, उसमें मेंबरशिप करी और उसमें विधानसभा महासचिव का पद प्राप्त किया। उसके बाद में मैं अभी वर्तमान में प्रदेश सचिव यूथ कांग्रेस पे काबिज हूँ। अमन जी, अगर बात की जाए तो आपने जो बताया कि आपने यहाँ से शुरुआत की थी, ऐसे शुरुआत की थी, लेकिन राजनीति में हर एक कार्यकर्ता का बात की जाए या फिर नेता की बात की जाए, तो गुरु सबके होते हैं, तो आप अपना गुरु किसे मानते हैं, कौन आपका गुरु है? प्रश्न बहुत बढ़िया है आपका, बट इसका जवाब सही तरीके से मेरे पास भी नहीं है। जहाँ तक गुरु की बात है, पार्टी और उसकी विचारधारा ही सबसे बड़ी मेरी गुरु रही है, और ऐसी बात नहीं है। आज हमारे पार्टी के जिले के जो तमाम बड़े नेता और क्षत्रप रहे हैं, वो सभी एक तरीके से मेरे गुरु के स्थान पर ही है, चाहे जितने भी वरिष्ठ नेता हों, अब एक एक का नाम तो ले नहीं पाऊँगा मैं, मगर तमाम जितने भी वरिष्ठ नेता जो इन वर्षों में कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, वो सब मेरे गुरु के समान हैं। अमन जी, अगर बात की जाए तो आगे की
रणनीति क्या आपके आगे की रूपरेखा क्या किस तरीके से आप, क्योंकि आप लंबे समय से आप जो पार्टी के कई कार्यक्रमों में से नदारद दिखते हैं, तो क्या कारण है सर, कहाँ चले गए आप? नवीन जी, ऐसी बात तो नहीं है, कुछ मलाल तो होता है कि पार्टी के समय समय पर कार्यक्रम होते हैं और हर कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाता हूँ। कुछ पारिवारिक मजबूरियाँ कह लें या बिजनेस का लोड ले लेती है, मगर जहाँ जहाँ पे भी मुझे लगता है कि हाँ इस समय और ये विचार के अंदर अपने को उपस्थित रहना है, तो उस कार्यक्रम को मैं नहीं छोड़ता हूँ और उस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता बिल्कुल निभाता हूँ। क्योंकि जिस वैसे तो पार्टी का हर कार्यक्रम अपने आप में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, बट कुछ विषय और कुछ मुद्दे ऐसे रहते हैं जिस पे मैं अपने आप को रोक नहीं पाता और उन मुद्दों पर उस समय उपस्थित पार्टी में होता हूँ। मन जी, अगर बात किया है तो कांग्रेस में युवाओं की कमी बड़ी देखी जाती है, कारण क्या है? यूँ कहा जाता है कांग्रेस में दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता नहीं बचा, सब नेता है, तो क्या कहेंगे इसे लेकर? नवीन जी, मैं इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेता हूँ। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे आदमी सीधे नेता बनता है। आज मैं खुद को भी अपने आप को महसूस करता हूँ तो मैं अपने आप को एक नेता की तरह ही देखता हूँ, क्योंकि पार्टी एक स्टैंड देती है कि आप अपने आप को उभारें, अपने आप को निखारें, और एक प्लेटफॉर्म है कांग्रेस पार्टी अपने आप में एक नेता बनाने का। इसलिए मैं नहीं मानता कि कांग्रेस पार्टी में आज भी कार्यकर्ताओं की कमी है, बस समय का इंतजार है। इतनी सीटें जो कांग्रेस की कम हो रही, क्या कारण क्या मानते हैं? मन मुटाव नेताओं का बड़ा है या फिर गुटबाजी ज़्यादा है? नवीन जी, इसमें एक पहलू नहीं है, बट सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ऐसा लगता है कि आज झूठ का आडंबर ज़्यादा है और सत्य सामने नहीं आ पा रहा है, जिसमें मैं बोल सकता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ हमारी कमी रही है या पार्टी उस चीज़ को पुरजोर तरीके से उठा नहीं पा रही है। जबकि सत्य यह है कि आज की तारीख में हर जगह त्राहिमाम है, आज जनता परेशान है, और वर्तमान की जो सरकार है उन ज्वलंत मुद्दों से उनका ध्यान बटाने के लिए जो नए नए क्रियाकलाप कर रही है वो भारत के लिए और भारत की राजनीति के लिए अच्छे नहीं है। बीजेपी को किस तरह सोचते हैं आप? क्या विपक्ष में इतनी मजबूत है बीजेपी, आने वाले चुनाव में कांग्रेस को टक्कर देगी? आज सरकार में होने के बावजूद भी बीजेपी मेरी नज़र में मजबूत नहीं है। जिन मुद्दों पर बीजेपी चुनाव लड़कर आई, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार पेट्रोल कम, महंगाई कम, रोजगार ज़्यादा, ये मुद्दे तो सब गौण हो चुके हैं और एक नई पिक्चर दिखाई जा रही है जिसका धरातल पे कोई औचित्य नहीं है। आज जनता सबसे ज़्यादा महंगाई से त्रस्त है, इस चीज़ को कोई झुठला नहीं सकता, इसलिए बीजेपी सरकार फेल है। हमारे इस फेस टू फेस कार्यक्रम के तहत आप युवाओं को किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से राजनीति में आना चाहिए, सामाजिक संगठनों से जुड़ना चाहिए और अपने जिले के लिए काम करना चाहिए, अपने परिवार का नाम रोशन करें, किस तरह का मैसेज देंगे आप युवाओं को? नवीन जी, मैं क्या मैसेज दूँ, युवा अपने आप में युवा यानी कि उसका उल्टा करें वायु, वायु को क्या मैसेज दे, वायु तो अपना प्रवाह खुद बना लेती है, तो उसी प्रकार युवाओं से बस मेरी तो अपील यही रहेगी कि जहाँ पर भी रहे सच को सामने रखें, देश हित के लिए सोचें, समाज हित के लिए काम करें, यही उनसे मेरी अपील है। तो ये थे युवा नेता कांग्रेस के अमन विनायका, जिनसे हमने फेस टू फेस में बात की, चर्चा की, उनके राजनीतिक सफ़र को लेकर मुलाकात की और किस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी, राजनीतिक गुरु को लेकर उन्होंने कहा, साथ ही अपनी दावेदारी को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। ये था अब तक का अपडेट। इस तरह अपडेट के लिए हमने हमारे साथ, जय हिंद, जय भारत।